अपने तकदीर पर हैरान है, अपनी परिस्थितियों से परेशान है, अपनी किस्मत को कोसता है, कोशिश करके हार चुका है। तो चल आज तुझे वैसे सक्सेस से मिलाता हूँ जिनके सामने मुश्किलें तो बहुत आई पर वो हारे नहीं। हर बार परिस्थितियाँ उनके खिलाफ रही पर वो थके नहीं, और किस्मत नाम के भेड़िए की इतनी औकात ही नहीं हुई कि वो शेरों को डरा सके। लुडविक वैन बीथोवन 17 दिसंबर 1770 में इनका जन्म हुआ। जर्मनी में जन्मे इस बच्चे की प्रतिभा संगीत में इतनी ज्यादा हुई कि इसने 3 साल की उम्र में ही 3 सोनाटा रच दिया। उनके पिता एक गायक थे और वे बहुत छोटी उम्र से ही लुडविक को संगीत सिखाने लगे। बीथोवन में संगीत की प्रतिभा कमाल की थी, इसी को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें स्कूल से निकाल लिया, क्योंकि उनके हिसाब से स्कूल बच्चे की प्रतिभा को निखारने के काम में बाधा डाल रहा था। 9 साल के होते ही उनके पिता ने उन्हें अपने से योग्य शिक्षक के पास भेज दिया और कहा कि मैं जितना जानता था मैंने तुम्हें वो सब सिखा दिया है, मैं तुम्हें अपने से योग्य शिक्षक के पास भेज रहा हूँ। मेहनत करना और हमेशा याद रखना, यह तुम्हारे जीवन का काम है। अब बीथोवन ऑस्ट्रिया आ चुके थे। वियना के गलियों में वो अपने सपने को लेकर घूम रहे थे। बीथोवन हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते थे। अपनी संगीत रचनाएं लिखते समय एक एक शब्द पर घंटों मेहनत करते थे। एक ही रचना पर कई सप्ताह, महीनों या वर्षों तक काम करते थे। लेकिन तभी उनकी जिंदगी बदलने वाली एक घटना हुई और मानो सब बदल सा गया। युवावस्था में उनके सुनने की शक्ति कम होने लगी और 30 साल से पहले ही उनके कान बेकार हो गए। वह इंद्रिया बेकार हो गई जो संगीत के लिए अनिवार्य मानी जाती है। पर वो कहते हैं ना, तूफानों में जो पर फैलाते हैं उन्हें ऊपर उनके हौसले ले जाते हैं। बीथोवन फिर भी पीछे नहीं हटे, अपने सपने को पूरा करने के लिए वो जी जान लगा देते थे। और कमाल तो तब हो गया जब उन्होंने बहरेपन में अपनी सबसे महानतम रचनाएं लिख डाली। हर दिन हर पल कष्ट भोगते हुए उन्होंने अपने बहरेपन की स्थिति में ही 3री, 4थी, 5वीं, 7वीं और 8वीं सिंफनी लिखी। दुनिया को ये दिखा दिया कि उड़ने के लिए परों की नहीं एक पक्के इरादे की जरूरत होती है। और ये सब हुआ उनके कमाल के जज्बे से, उनकी कमाल की मेहनत से। 26 मार्च 1827 में वियना में ही इनकी मृत्यु हो गई। लुडविक ने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा था, मैं ये सब कर पाया क्योंकि संगीत मेरे कानों में नहीं मेरी आत्मा में गूंजता है। ये छोटी सी बात इतना बड़ा मैसेज देकर चली गई। अपने एक सपने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी और उनके मेहनत और लगन ने उन्हें वहाँ पहुँचा दिया जिसके वो हकदार थे। सच तो यही है कि अगर आप अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से जुट गए तो जीवन में आप कभी हार नहीं सकते। वक्त अपने हिसाब का बहुत पक्का होता है, वो आपके मेहनत का फल आपको जरूर देगा। जिंदगी के हर मोड़ पर परिस्थितियों के खिलाफ थी, फिर भी देखा आपने, इन्होंने हार नाम का शब्द तो सीखा ही नहीं था। मानो जैसे इनकी जिंदगी चीख कर कहती हो कि ये हार क्या होता है, मेरे शब्दकोश में तो है ही नहीं। और सिर्फ बीथोवन ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हारना कभी सीखा ही नहीं। और अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो, उनके अंदर के आग को महसूस करना चाहते हो, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। मैं लौटूंगा ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। धन्यवाद।